बिल्कुल ठीक। कैसे गुजर रही जिंदगी? बहुत अच्छी। अच्छा माशाल्लाह से हुमायूं का जब देखे ना एक तरह ताजगी का एहसास होता है, हमेशा ऐसा लगता है हुमायूं अभी अभी नए नए आए हैं इस इंडस्ट्री में, और उसकी वजह से इनका शर्मीला अंदाज और मुस्कुराहट है, हमेशा हमें शर्माते हुए नजर आते हैं। हालांकि खवातीन शर्माती हैं मर्दों से, आप जरा शर्माए शर्माए से क्यों रहते हैं? बस ऐसे ही, मुझे भी शर्माना चाहिए कभी कभी। कभी 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 तो ठीक है, लेकिन हमेशा मैं आपसे जब भी मिलता हूँ शर्माए। अच्छा आपको याद है भाई हमने एक प्ले में एक्ट भी किया था इकट्ठे? हाँ हाँ, और उसमें आपने मुझे थप्पड़ मारना था। फिर क्या हुआ? मैं नहीं मारा। आपने कैसे ट्रिक से थप्पड़ मारा था आपको याद है? मैंने कहा था मैं हाथ ऐसे करूंगा, आप मुंह उधर कर, मैं हाथ ऐसे करूंगा आप मुंह बस ऐसे कर लेना, थप्पड़ तो लगेगा ही नहीं। और उसके बाद इतनी जोर का इन्होंने थप्पड़ मारा, इतना जोर का थप्पड़ मारा कि मेरी आंखों के आगे तारे तारे नाच गए थे। फिर मुझे लग गया होगा, मुझे डायरेक्टर ने कहा होगा कि मार देना ऐसे नहीं करना। अच्छा, अक्सर डायरेक्टर ऐसे करते हैं। अच्छा, वो जाके पीछे से बोलते हैं यार देखो सही मार देना, सही वाला मार देना, सारा गुस्सा जो वो कहते हैं रिएक्शन अच्छा आएगा उससे। अच्छा, वो आज तक रिएक्शन है। अब मुझे, मैं भूल गया, उनको याद है। हाँ मुझे तो हमेशा याद है, मुझे जिंदगी में कभी किसी ने थप्पड़ नहीं मारा था, और मेरी जिंदगी का पहला थप्पड़ जो है वो हुमायूं सईद ने मारा। पहला और आखिरी, पहला और आखिरी। अच्छा हुमायूं माशाल्लाह से कितनी उम्र की बहारें जो है वो देखनी है, मर तो एज कॉन्शियस नहीं होते ना? जी मैं नहीं हूँ। नहीं तो माशाल्लाह से कितनी जवानी फिर नहीं आनी, लेकिन उम्र की कितनी बहारें जो है वो गुजर चुकी है? मतलब आप मुझसे मेरी उम्र पूछ रही हैं? डायरेक्टली डायरेक्टली नहीं, मैं 30 प्लस हो गया हूँ। उसमें कितने प्लस करें? डबल प्लस करें? जितने आपका दिल करे उतने कर ले। प्लस प्लस, लेकिन बड़ी अच्छी बात है, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे हीरोज जो कि हॉलीवुड में बॉलीवुड में काम करते हैं, बड़ा क्रेडिट लेते हैं, हम इतने साल के हैं लेकिन हम लगते नहीं है, दिखते नहीं है। तो आप भी माशाल्लाह कहीं से नहीं दिखते, और वी ऑल्सो टेक प्राइड इन इट कि हमारे हीरो भी कहीं से नहीं दिखते हैं कि वो इतने माशाल्लाह से हैं। और देयर बुड्ढा तो लगता जैसे फियर है कि बुड्ढा हो जाऊंगा। सी उम्र का सबको होता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि नहीं होता, ख्याल जरूर होता है। तो आप कोशिश करते हैं कि आप बेहतर से बेहतर लगें, अपने आप को फिट रखें। सभी एज तो सबके साथ है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को एज से ज्यादा डर लगता है, कहते हैं अगर हम बूढ़े हो जाए तो क्या हो जाएगा, मुंह में दांत ना हुए तो क्या होगा, लोगों ने अगर पहचाना ना तो क्या होगा, ना हुए सर पे बाल ना हुए, ऐसी सब चीजों का डर तो रहता है ना। लेकिन होना तो है। हाँ। ऐसा कभी ना कभी। तो तैयार है उसके लिए मेंटली? हाँ, सोचा मैं प्लान किया हुआ है कि सब सब तैयार होते हैं। अच्छा, तो प्रोडक्शन जो है उसकी तरफ आना, कभी ये सोच के प्रोडक्शन की कि यार मतलब जब कभी हो सकता है मैं हीरो ना आ रहा हूँ तो चले मैं ये काम कर रहा हूँ। हाँ, मैंने जब प्रोडक्शन शुरू की थी, और मैंने पहले प्रोडक्शन शुरू की थी बाद में एक्टिंग, तो मैं ये सोचता था कि सारी जिंदगी तो आप एक्टिंग नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं मगर तब तक वही, जब बाल नहीं रहेंगे, मुंह में दांत नहीं रहेंगे, शायद नकली लगवा लूं, लेकिन फिर भी। अच्छा लगवाएंगे? आई डोंट नो, जब जाएंगे तो तब सोचेंगे। खुदा ना खास्ता हुमायूं के सर पे बाल ना, कैसे लगेंगे? फिर भी इतने पसंद होंगे आपको? हाँ, तालियां बजा के बताना है, होंगे कि नहीं? देखिए क्या जादू है आपके पास। मैं बस इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। वो बंसरी बजाते थे, आप क्या मतलब क्या आपके पास ऐसा जादू है? नहीं कुछ नहीं है, बस ये मेरे ख्याल से हर चीज का ताल्लुक काम से होता है। अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं और लोगों को वो पसंद आ रहा है तो आप खुद ब खुद उसमें अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे मुल्क में बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, ख्वातीन भी खूबसूरत हैं, मर्द भी खूबसूरत हैं, तो लेकिन यू नो हम लोग जब ये काम कर रहे होते हैं, लोग उसमें हमें देखते हैं, तो हमारी जो मेरे ख्याल से कुछ खराबियां हैं वो छुप जाती है। हाँ। और लोगों में हम ज्यादा पसंद किए जाते हैं, तो ये बस अल्लाह की तरफ से हमारा काम ऐसा है। हम लोग वो खुश नसीब लोग हैं जिन्हें लोग पसंद किए जाते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं और पसंद करते हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला की तरफ से शोहरत जो है एक बहुत बड़ा इनाम है। जी, किस वक्त आपको एहसास हुआ था कि यार ये इनाम जो है मेरे लिए, ये अल्लाह ताला ने मेरे लिए लिखा हुआ है, मैं मशहूर हूँ? जब मैंने काम किया था, जब शुरू किया था, तो मैं काफी जगह बता चुका हूँ, मैं घर वालों से छुप के मैंने किया था। अच्छा। क्योंकि मेरे फादर को ये पसंद नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँ। मैं हाँ बहुत सख्त, तो मैं जॉब करता था कहीं और काफी अच्छी जॉब पे था, तो उनको ये लगा कि पता नहीं ये एक्टिंग शैक्टिंग करेगा, ये सारा काम वाम छोड़ देगा, पता नहीं क्या क्या होता है। उन दिनों एक्टिंग जब यू नो प्राइवेट प्रोडक्शंस नहीं आई थी, तो उससे पहले सब बोला जाता था कि एक्टर्स को इतना नहीं, कुछ मिलता नहीं है, कुछ होता नहीं है इनके पास, इस किस्म की बात। तो मैंने छुप के किया, और
मैंने कहा मैं एक आध ड्रामा करता हूँ, बाकी मैं प्रोडक्शंस वगैरह करूँ. तो मैंने एक ड्रामा किया, मेरे ख्याल से वो जहर था, जहर था, एक टेलीफिल्म थी. और उस दिन मैं फिर सुबह दूसरे दिन जब मैं निकला तो हर कोई ये बोल रहा था वो जहर वाला लड़का, ये वो है जहर वाला. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा ये तो बड़ा कमाल, इसमें तो बड़ा मजा आता है. सही. सब जब तो अब्बा को नहीं पता चला कि ये जहर वाला, पता चल गया. और वो ऐसे कि जब बब्बू को भी नीचे लोगों ने बताया, वो मस्जिद गए हैं जहाँ कहीं जा रहे हैं, तो उनको लोग बता रहे हैं कि भाई वो आपके बेटे को देखा था, कहाँ देखा, बोलते वो फलाने ड्रामे में आया था. तो जब उनको वो इज्जत मिलना शुरू हुई ना, और लोगों ने, लोगों की एक्सेप्टेंस भी बढ़ गई इस काम के लिए. अब आप देखें कि अब मीडिया कितना तरक्की कर रहा है, अब लोग आना चाहते हैं. पहले लोग रोकते थे अपने बच्चों को, अब तो बच्चे अभी से ये मीडिया साइंस ये सब पढ़ना शुरू कर दिए है. और फिल्म मेकिंग में जा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं. तो बड़ा फर्क पड़ गया. अब वैसे ही तो बीवी है घर पे, वो बोलती है कि भाई यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, आज जरूरी नहीं है जाना या फलाना. अब वो साथ ही रखता, मतलब तुम भी आओ भाई, साथ चलो, साथ चलो. हाँ, अब तो ऐसा नहीं है. लेकिन वो होता है जब आप छोटे होते हैं तो आपकी कुछ शरारतें होती हैं, आप करते हैं. और आप मैंने की और बहुत पिटाई, बहुत मार खाई. खुद कैसे वालिद, खुद कैसे, किस तरह का रवैया है? अब्बू बहुत सख्त, बहुत सख्त है और निकलने नहीं देते थे हमें बाहर. मुझे तो बहुत कम, मेरे छोटे भाई मेरे अब्बू से ज्यादा फ्री थे, बट मैं पता नहीं आज तक उनसे बहुत डरता हूँ. अच्छा, लेकिन आपने रोमांटिक किरदार बहुत ज्यादा किए हैं जी. आप समझते हैं कि दैट कम्स नेचुरली टू यू, रोमांस? नहीं, मेरी जिंदगी में रोमांस ही नहीं था. मैं सारा रोमांस मैंने जो है ड्रामों में पूरा किया है, फिल्मों में किया है और आज तक कर रहा हूँ, आज तक पूरा नहीं हुआ. तो वो कभी, हाँ. कितना शौक होगा आपको पहली दफा रोमांटिक डायलॉग जो बोला था, मुश्किल था बोलना खातून की आंखों में आंखें डाल के? अब तो माशाल्लाह से नहीं, पहले तो मैं कुछ ज्यादा ही आंखों में आंखें डालता था. अब मैं पक्का हो गया हूँ उसके अंदर, अब बहुत तरीके से करता हूँ. मैं देखता था, मुझे लोग बोलते भी थे यार तुम तो ऐसे देखते हो लड़की को जैसे खा जाओगे, जरा तरीके से देखा करो. मैं नहीं, मैं तो पूरा एक्सप्रेशन देता हूँ, मुझे रोमांस करना है. बट खैर, वो आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते हैं और फिर खुद ही कंट्रोल आ जाता है. अरे कभी रोमांस से एक्शन की तरफ भी उस तरह से दिल किया कि मैं एक्शन हीरो के तौर पे जरा बॉडी शॉडी बनाकर? और उस तरह हमेशा एक्शन, हर बंदा एक्शन हीरो बनना चाहता है. अब बात ये कि हमारे यहाँ जरा ड्रामे में इतना एक्शन होता नहीं है. लेकिन यस, मैंने एक दो फिल्में की उसमें एक्शन था. और अभी मैं जो फिल्में कर रहा हूँ, एक दो फिल्में हैं जिसमें काफी भरपूर एक्शन है, इतना एक्शन मैंने कभी किया नहीं. अच्छा, और आपको लगता है कि वो लोग ज्यादा पसंद करेंगे या लोग हुमायूं सईद को एज रोमांटिक? देखिए, जो भी मैं काम करूं, फिल्म करूं या मैं टीवी करूं, अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं वो काम अच्छा है. अगर एक्शन हो रहा है तो बहुत अच्छी एक्शन फिल्म होनी चाहिए, कॉमेडी हो तो बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्म होनी चाहिए, रोमांस हो तो बहुत अच्छी रोमांटिक फिल्म होनी चाहिए. फिल्म अच्छी है, आप खुद ब खुद उसमें अच्छे लगेंगे. कितना जरूरी है अच्छा रोमांटिक कैरेक्टर के लिए, अपोजिट जो आपकी अदाकार है उसके साथ केमिस्ट्री है, वो आपको पसंद? बहुत जरूरी है. कभी ऐसा भी हुआ किसी नापसंदीदा के साथ? नहीं, मुझे सब पसंद है, सब अच्छी है और सब मेरे साथ, क्योंकि मेरी दोस्त है, मेरी सबसे काफी लड़कियों से मेरी केमिस्ट्री काफी अच्छी है और हो ही जाता है कुछ ना कुछ. इसका क्या सीक्रेट है? इतनी अच्छी. इसका सीक्रेट कुछ नहीं है, दोस्ती. जब भी आप मिले हैं उनसे तो बात करें, अच्छे तरीके से करें. और तरीके होते हैं उसमें, आप उनसे दोस्ती कर लें, किसी से नहीं होती, आप कर लें, आप जितना स्वीट रहें खुद ब खुद. और हम पहले से सोच भी लेते हैं. अब मैंने आपके साथ काम किया है, आप कोई स्वीट नहीं होते. सीरियसली नहीं था, ये कौन सा ड्रामा था? मैं तो सीरियसली भूल ही गया. बहुत पुराना एक ड्रामा था, बहुत पहले. जख्म, जख्म, लेकिन नाम ही ऐसा था जख्म. क्या स्वीट हो, मैंने तो विटनेस किया है ना ये स्वीट. जख्म जो है आपका अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी तक हरा है, वो हरा है आपका जख्म. इसे मुझे तो पता कि यू नॉट दैट स्वीट है यार, आप नहीं, वो हो सकता है मैं अपने कुछ होगा, कोई वजह होगी. तय होता है कि ये इनके साथ कोई वजह होगी, आप मुझे सही लिफ्ट नहीं कराती होगी, ऐसे ही कुछ होगा. बोला छोड़ो दिल. और मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ अगर कोई नखरे करता है या जरा सा रिजर्व रहने की कोशिश करता है, मैं उससे 3 गुना ज्यादा रिजर्व होता हूँ. ये मेरे साथ प्रॉब्लम है. अच्छा. लेकिन मैं सीरियसली बता रहा हूँ. खैर, मैंने क्योंकि मैंने 70-75 पता नहीं 80-100 ड्रामे इतने सीरियल्स किए थे कि एक उनमें से, लेकिन ज्यादातर से मेरी दोस्ती है, ज्यादातर से मेरी केमिस्ट्री बहुत बहुत बेहतर थी. अच्छा, ये इसमें इसका मतलब है दूसरी जो को एक्टर है आपके, उनका अमल दखल होता है कि उनकी केमिस्ट्री आपसे अच्छी हो जाए? क्योंकि अगर वो एटीट्यूड दिखाएं तो फिर तो आप बिल्कुल ना करें.
कभी ऐसा हुआ कि कोई खातून इतनी हसीन है, कोई एक्ट्रेस को इतना, आप कहते हो नखरे भी कबूल? मानूर, मानूर वो एटीट्यूड दिखाती हैं, तो मानूर बहुत रिजर्व और सीरियस रहती हैं। तो मुझे बड़ा डर लगता था, और शुरू के प्लेज में मैंने जो एक दो प्लेज उनके साथ किए, उनके साथ मेरा कोई रोमांटिक वो नहीं था, यू नो, काम ऐसा नहीं था, लेकिन मैं डरता, मैंने कहा यार ये तो बात ही नहीं करती, एंड शी इज ब्यूटीफुल, शी वाज ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत थी और हैं, तो हम देखते थे, हम बोलते यार कितनी अच्छी है, मेरा कभी इसके साथ कोई पेयर होना बड़ा मजा है। बट कुछ अरसे के बाद मेरी उनसे दोस्ती हो गई, और फिर हम एक दो ड्रामे हमने किए, तीन ड्रामे किए, तो फिर सही हो गया सब। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम्हें तो मैं देख के डर जाता था कि तुम्हारे साथ जब भी मैं एक्टिंग करूंगा कि रोमांस कैसे होगा, तुम्हारे साथ हो नहीं सकता। कहती नहीं मैं तो बिल्कुल, मैंने कहा नहीं तुम इतनी सीरियस रहती। कहती हाँ नहीं मैं नए नए लड़कों को लिफ्ट नहीं कराती ऐसे यार, ठीक है। तो कहती नहीं फिर वो तुम्हें देख लिया, तुम्हारे साथ काम किया, तुम तमीज के थे, तो मैंने फिर चल पड़ा सब कुछ। अरे मुझे बताओ हुमायूं, आपके हुस्न का रोब होता है खास, जब आप किसी भी हसीन मर्द या औरत से मिलते हैं तो उसका आपके ऊपर एक धाक सी होती है, आप पे होती है? बिल्कुल होती है। आप मरूब हो जाते हैं कि वाह यार व्हाट अ ब्यूटी। यस बिल्कुल होना भी चाहिए। तो क्या उस क्या इंग्रेडिएंट, क्या लवाजमात होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन अट्रैक्ट्स यू, किस तरह की होनी चाहिए किसी को ताकि वो आपको इंस्पायर करे, अट्रैक्ट करे? देखिए सब बातें करते हैं, मुझे किसी का रवैया बहुत अच्छा लगता है, वो शक्ल सबसे पहले होती है, वैसे सबसे पहले आप देखते हैं पर्सनालिटी, बिल्कुल, क्या हाइट है, क्या शक्ल है माशाल्लाह, क्या आंखें हैं, क्या बाल हैं, ये सब आप देखते हैं जो पहली पहली दफा आप देखते हैं।